करते हैं। जो अभी आपको स्क्रीन दिख रही है, मान लेते हैं ये फ़ोन हमारी गर्लफ्रेंड का है, या लड़कियां मान सकती हैं ये हमारे बॉयफ्रेंड का फ़ोन है। तो अब इसमें आपको क्या करना है, तो सबसे पहले अपना इंटरनेट खोल लीजिए और इंटरनेट में अब ब्राउज़र में सर्च कीजिए द ट्रुथ स्पाई। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ द ट्रुथ स्पाई और इसे सर्च कर लेता हूँ। तो अब मैं इसको सर्च कर रहा हूँ और यहाँ लॉगिन के लिए ऊपर आ रहा है और नीचे एंड्रॉयड एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन आ रहा है। तो आपको एंड्रॉयड इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है। तो यहाँ से अब आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, तो यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कर दें और यहाँ से ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें। चलिए मैं भी इसे डाउनलोड कर लेता हूँ और इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ से ये एप्लीकेशन अब डाउनलोड होने लगा है। तो चलिए अब ये एप्लीकेशन डाउनलोड होने वाला है, तो अब ये जब डाउनलोड हो चुका है इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट कर देंगे और इसको एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ से इंस्टॉल पे क्लिक करिए और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। अब इसे इंस्टॉल करने के बाद मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ नेक्स्ट करने से पहले आपको कुछ और वर्क करना है। आपको अपनी गूगल सेटिंग का एक आइकन आता होगा, चलो मैं आपको सेट में दिखा देता हूँ फ़ोन में। तो आपको गूगल सेटिंग में जाके कुछ चेंजेस करने हैं, वो मैं चेंजेस दिखाता हूँ क्या करने हैं आपको। तो यहाँ से यहाँ देखिए गूगल सेटिंग आ रहा है। गूगल सेटिंग में जाके सिक्योरिटी में जाके आपको क्या करना है, सबसे नीचे जाके जो स्क्रीन डिवाइस और सिक्योरिटी आ रहा है उसको ऑफ करना है। उसके बाद फिर हम अपनी एप्लीकेशन पे जाएंगे। तो यहाँ से अब मैं दोबारा से अपनी एप्लीकेशन पे जाता हूँ और यहाँ देखिए ऊपर एप्लीकेशन नहीं आ रही क्योंकि ये हैड हो जाती है एप्लीकेशन बहुत जल्दी। तो ये मैं अंदर से खोल लेता हूँ। तो यहाँ से अब कहाँ गई एप्लीकेशन, तो मैंने ये एप्लीकेशन को खोल लिया है। अब यहाँ पे मुझे क्योंकि मैं नया हूँ तो इसलिए रजिस्टर न्यू पे करना पड़ेगा। और यहाँ अब अपनी ईमेल आईडी और नया पासवर्ड डाल देता हूँ। आप भी अपना नया पासवर्ड अच्छे से डाल दीजिए। तो अब मैं यहाँ पे अपनी आईडी डाल रहा हूँ और अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। तो ये वर्क जो भी हम कर रहे हैं वो अपने बॉयफ्रेंड सॉरी अपनी गर्लफ्रेंड और जो भी लड़कियां अगर इसे यूज़ कर रही हैं तो उनके बॉयफ्रेंड के फ़ोन में करना है। तो अब हमने वहां अपना पासवर्ड और अपनी ईमेल आईडी डालकर वहां उसे रजिस्टर कर दिया। तो मैंने अब इसको रजिस्टर कर दिया है, देखते हैं अब ये क्या स्क्रीन पे आ रहा है डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर। तो आपको यहाँ से इसको भी एक्टिवेट करना है। चलिए इसको भी एक्टिवेट कर देते हैं। तो यहाँ से मैं जैसे ही इसको एक्टिवेट करूँगा तो हमारे सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा जिस पे लिख के आएगा कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हमें यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन पे भी क्लिक करना है। तो चलिए इस पे भी क्लिक कर देते हैं। अब हमें यहाँ से हेड आइकॉन ज़रूर करना है। यहाँ पर पासवर्ड ऊपर लिख के आ गया जो हमें डायल करना है #2013, जिससे कि हम कभी भी इस एप्लीकेशन को दोबारा खोल सकते हैं क्योंकि यहाँ से एप्लीकेशन का आइकॉन तो हेड हो जाता है। चलो तो वो हाइड हो चुका है फिलहाल। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो इस पे पासवर्ड लिख के आ रहा था, मतलब जो डायल वर्ड है इसका, तो उसे डायल कर लेते हैं और इससे एप्लीकेशन ओपन करके एक बार देखते हैं। तो यहाँ से मेरा कोड आ रहा था #2013*। तो इसे क्लिक करते हैं और ये देखिए अब एप्लीकेशन खुल गया। तो यहीं से एप्लीकेशन आप केवल खोल सकते हैं, उसके अलावा कहीं भी ये एप्लीकेशन का कोई नामो निशान नहीं है। तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। जिसके फ़ोन में भी आप ये वर्क कर रहे हैं उसको कभी पता नहीं लगेगा कि आप उसकी इन्फॉर्मेशन चुरा रहे हैं। तो चलिए अब डेस्कटॉप पे या एंड्रॉयड पे चलते हैं। अब हमारा इस फ़ोन का वर्क ख़त्म हुआ। तो चलिए अब यहाँ पर हमें फिर दोबारा से वही करना है। अपने ब्राउज़र में जाइए और वही सर्च कीजिए द ट्रुथ स्पाई। तो यहाँ से मैंने पहले डेस्कटॉप कर लिया है, इससे आसानी हो जाती है थोड़ा नेट चलाने में, कंप्यूटर की तरह चलता है। तो मैंने सर्च कर लिया द ट्रुथ स्पाई और अब मुझे लॉगिन करना है इस पर। इस बार एंड्रॉयड इंस्टॉलेशन में नहीं जाना है। तो चलिए अब इस पर भी क्लिक कर लेते हैं और अब अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देता हूँ जो मैंने रजिस्टर कर चुका हूँ। तो
तो देखिए अब ये मेरा अकाउंट खुल जाएगा। ये वही अकाउंट है जिसको मैंने पहले रजिस्टर किया था उस एंड्रॉयड फ़ोन में, तो उस एंड्रॉयड फ़ोन की पूरी जानकारी मुझे यहाँ वेबसाइट देगा कि उसने क्या फ़ोन किया था, क्या किसको मैसेज किया था और कहाँ से किया था। तो वो सारी जानकारी इसके अंदर होती है, वो यहीं से मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, डैशबोर्ड खुल चुका है और यहाँ पर मुझे चार फीचर जो हैं जो जनरली हम यूज़ करते हैं, हमें बाकी इतनी सारी फ़ीचर की ज़रूरत नहीं है, SMS, कॉल हिस्ट्री, GPS हिस्ट्री और ऑटो आंसर। तो ये चार ऑप्शन हमें स्टैंडर्ड में मिलते हैं, फ्री में मिलते हैं। उसके अलावा और जो ऑप्शन है वो प्रीमियम में है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम यहाँ पर केवल फ्री वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर हमें कॉल हिस्ट्री निकालना है तो हम कॉल हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे। सॉरी फ्रेंड, मेरा अकाउंट अभी सिंस नहीं है, तो इसे सिंस करने के लिए हम ऊपर जो दिख रहा है टिप्स टू मेक योर अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ एडजस्ट योर पैरामीटर, तो यहाँ पर हम क्लिक करके अपना अकाउंट को सिंस करेंगे। तो यहाँ आपको SMS, कॉल हिस्ट्री और यहाँ ये ऑटो आंसर पे पहले टिक करना है, उसके बाद ऊपर जो सेव लिख के आ रहा है आपको सेव एंड सिंस नाउ, इस पर क्लिक करके इसे आप अपडेट कर लीजिए। उसके बाद आप अपनी कॉल हिस्ट्री को खोल के देखेंगे या SMS को खोल के देखेंगे तो पूरी तरह से सभी डिटेल आपको दिखा देगा। तो यहाँ से मैं अब कॉल हिस्ट्री पे क्लिक कर लेता हूँ और अब देख लेता हूँ कि अभी तक मेरा अकाउंट सिंस हुआ या नहीं, वहाँ डिटेल आई या नहीं। तो यहाँ देख लेते हैं चेक करके। तो देखिए अब यहाँ मेरी पूरी फुल डिटेल आ गई है उस एंड्रॉयड की जिसको मैंने हैक किया था और जिसकी जानकारी मुझे चाहिए थी। तो यहाँ से SMS भी चेक कर सकते हैं, SMS भी मेरे सारे आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप अपने गर्लफ्रेंड या किसी अपने फ्रेंड की फुल जानकारी ले सकते हैं कि वो किससे बातें करता है, किससे SMS करती है, तो वो सब आप जानकारी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को